हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का वेलकम एंड स्वागत है पटेल क्लासेस समोली के इस यूट्यूब चैनल पर। आप लोगों के काफी सारे सवाल आए थे जो कि हमने नोट कर लिए हैं कागज में। सारे सवाल आप लोगों के जितने भी थे सारे कागज में हमने नोट कर लिए हैं, जिससे कि हमें हर एक सवाल का जवाब देने में आसानी रहे। लेकिन दोस्तों, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल जो है इस समय, डिजी लॉकर पर मार्कशीट नहीं काफी लोगों की डाउनलोड कर पा रहे। तो दोस्तों, तीन चीजें अपनी चेक कीजिए। अगर डिजी लॉकर से आप अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड नहीं कर पा रहे, तो पहले ये देखिए कि आप डिजी लॉकर को सही से लॉगिन कर रहे हैं या नहीं। आप उसी आधार कार्ड से लॉगिन कीजिए जो आधार कार्ड आपने सीटेट के फॉर्म फिल करते समय उसमें लगाया था। दूसरा, आपके आधार कार्ड से मोबाइल नंबर का लिंक होना जरूरी है, क्योंकि कुछ लोगों का डिजी लॉकर ओपन नहीं हो रहा। डिजी लॉकर नहीं खुल रहा उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है, आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक नहीं होगा तो भी आप नहीं खोल पाएंगे। तीसरा, डिजी लॉकर से मार्कशीट और सर्टिफिकेट को डाउनलोड नहीं कर पा रहे। जो लोग डिजी लॉकर की एप्लीकेशन से सर्टिफिकेट और मार्कशीट डाउनलोड नहीं हो रहे, तो करिए ये आप लोग कि क्रोम ब्राउजर का इस्तेमाल कीजिए। क्रोम ब्राउजर का इस्तेमाल कीजिए डिजी लॉकर से अपने सर्टिफिकेट और मार्कशीट को डाउनलोड करने के लिए। अगर फिर भी कोई समस्या हो तो अपना रोल नंबर कमेंट कर दीजिएगा, या फिर स्वयं सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर एक बार जरूर चेक कीजिएगा कि आप लोगों का जो रिजल्ट आया है क्या आप लोग पास हैं या नहीं। जो अभ्यर्थी सीटेट के रिजल्ट में फेल होंगे उनकी मार्कशीट और सर्टिफिकेट शो नहीं करेगा, ये जरूर चेक कीजिएगा। ठीक है, फेल अभ्यर्थी जरूर चेक कर लें एक बार कि रिजल्ट अपना। अब एक और सवाल है कि सीटेट का फॉर्म कब आएगा। तो दोस्तों, सीटेट के फॉर्म को लेकर, तो सीटेट का जो फॉर्म है दोस्तों, इसी महीने आपको देखने को मिल जाएगा, इसकी संभावना काफी है। क्योंकि सीटेट का रिजल्ट अभी तक लटका हुआ था, जिसकी वजह से नया नोटिफिकेशन नहीं जारी कर पा रहा था सीबीएसई। और ये परीक्षा पिछले वर्ष से ऑनलाइन शुरू हो गई है, तो ऑनलाइन परीक्षा होगी तो आपको मान लीजिए कि फॉर्म अगर अभी आता है तो आपकी परीक्षा जुलाई आखिरी में और अगस्त की शुरुआत में हो पाएगी, अगर मई में फॉर्म आता है। क्योंकि लगभग 1.5 महीने का समय लगता है फॉर्म फिल करने में, क्योंकि फॉर्म फिल करने का समय, उसके बाद करेक्शन करने का समय, ये सारा मिलाकर लगभग 1.5 महीने का समय लग जाता है। उसके बाद उनको सेंटर बनाना होता है, एडमिट कार्ड जारी करना होता है, वो भी लगभग 1.5 महीने का समय लगता है। तो ये पूरा समय अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो लगभग 3 महीने का समय लगता है। और अगर आपका मई में अगर आपका फॉर्म आता है तो ये आपका जून तक जाएगा, तो जुलाई फिर का अंत हो जाएगा, अगस्त की शुरुआत, यानी तब अगस्त की शुरुआत में आपकी परीक्षा हो पाएगी। लेकिन फिर भी काफी छात्र इस बार फेल हो गए। जो आंकड़ा हमारे पास है वो लगभग 33% छात्र पिछली बार लगभग पास हुए थे, इस बार लगभग 27% छात्र पास हुए हैं। क्या हुआ है, पास होने वाले छात्रों की संख्या कम हो गई है। अब ये हुआ क्यों है, क्योंकि परीक्षा ऑनलाइन है। तो दोस्तों, आप लोग प्रयास कीजिएगा कि ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन पढ़ने का प्रयास करें, उसके अलावा ऑनलाइन मॉक टेस्ट सॉल्व करें। लेकिन ऑनलाइन किसी भी कोचिंग संस्थान के आपको मॉक टेस्ट लगाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, अगर आप लोग थोड़ा सा भी स्मार्ट तरीके से तैयारी करते हैं। कई ऐसे छात्र हैं जिन्होंने कम तैयारी के साथ अच्छा स्कोर किया है, तो आप लोग करिए ये कि आप लोग पिछले वर्षों के 23 पेपर के लगभग सेट आपको मिल जाएंगे सीटेट के ऑफिशियल वेबसाइट पे विद ऑफिशियल आंसर की के साथ। उनको डाउनलोड कर लीजिए और उससे तैयारी कीजिए, और कुछ भी मत करिए। उन्हीं अगर 23 सेटों को आप लोगों ने सही तरीके से लगा लिया तो आप पास हो जाएंगे, ये गारंटी है। अब एक मुद्दा बहुत वायरल किया जा रहा है, उसके बारे में भी आपको बात करते हैं, वो है बीएड उत्तर प्रदेश में रहेगा या बाहर होगा। चलिए उसके बारे में भी बात करते हैं। वाला मुद्दा है दोस्तों, अभी बीएड बाहर नहीं हो गया। काफी लोग ये अफवाह भी फैला रहे हैं कि बीएड प्राइमरी से बाहर हो गया है। दोस्तों, ऐसा नहीं है। हाई कोर्ट ने केवल बीएड में स्टे दिया है टीईटी के रिजल्ट में। क्या उनका जो जमीनी स्तर था वो था राजस्थान की जो परीक्षा हुई थी प्राइमरी की, उसमें उन्होंने बीएड को एलिजिबल नहीं किया है, तो उस बेस पे हाई कोर्ट ने स्टे दिया है बीएड को लेकर। अब बीएड बाहर होगा कि नहीं होगा ये अभी आने वाला समय बताएगा, अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता। उत्तर प्रदेश में सुपर टेट की भर्ती आएगी या नहीं, अगर आप लोग रीट के फॉर्म फिल किए हैं, अगर आप राजस्थान से आप बिलोंग करते हैं, कहीं से करते हैं, रीट के फॉर्म आप लोगों ने अगर फिल किए हैं तो आपको सीटेट की तैयारी अच्छे से कर लेनी चाहिए, क्योंकि सीटेट से और रीट से मिलता जुलता काफी चीजें मिलती हैं, तो आपकी दोनों तैयारी हो जाएगी। रीट की अगर आप तैयारी कर रहे हैं या सीटेट की कर रहे हैं, तो दोनों में आप काफी समानता है, आपको काफी लाभ मिलेगा। तो बीएड वालों के लिए ये ध्यान रखिएगा, जो बीएड वाला मुद्दा है, अभी उत्तर प्रदेश में बाहर नहीं हुआ है, केवल अभी बीएड में जो बीएड वाले छात्रों को स्टे मिला है, बीटीसी वाले छात्रों को, किस बेस पे, राजस्थान के बेस पे, यानी राजस्थान में जो बीएड को प्राइमरी से बाहर किया गया है, तो प्राइमरी का जो टीटी का रिजल्ट था उसमें केवल
स्टे दिया है यानी रोक लगाई है, तो अभी बीएड बाहर नहीं हुआ, इसको ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं सिलेबस को लेकर, सीटेट के सिलेबस में क्या बदलाव होगा। तो दोस्तों बिल्कुल होगा, हमने पिछला वीडियो बनाया था, हमने बताया था बदलाव होगा नहीं हुआ है। जो ऑनलाइन परीक्षा हुई है आप लोगों ने देखा होगा कि बीएएल यानी बाला के बारे में बात करो, या फिर अगर हम बात करें एनईपी के बारे में, यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी से लगभग 5-6 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 5 से लेकर 10 नंबर आपका ये कवर करा देगा। टॉपिक थोड़ा बड़ा है लेकिन हम पूरा प्रयास करेंगे कम शब्दों में इसको कवर करा देंगे इसी चैनल के माध्यम से। तो चैनल पर अगर आप लोग नए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो वीडियो को शेयर कर दें अपने दोस्तों तक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो अगर और कोई सवाल है आप लोगों का, जो भी सवाल थे कमेंट के माध्यम से हमें आए थे वो यहाँ पे मिल गए हैं। एक सवाल और किसी ने पूछा था कि 82 अंक जो लाया है क्या वो उत्तीर्ण है सीटेट में ओबीसी वाला या नहीं। तो बिल्कुल उत्तीर्ण है, परेशान ना होइए, 82 अंक में सीटेट में उत्तीर्ण होगा, स्टार मार्क लगा होगा आपके मार्कशीट पर, बाकी आप उत्तीर्ण हैं। आप अपने स्टेट में फॉर्म फिल करेंगे तो आपका रिजल्ट मान्य होगा। अगर और कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट में जरूर पूछ लीजिएगा।